फ्रूट्स, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को बोलो? मतलब सब बहुत सिंपल ही है यार, ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें ना। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, कैपिटल डी, और डी होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, फोर एसी, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। सी पॉजिटिव है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी जीरो है, रियल एंड सेम रूट्स, और डी नेगेटिव देन इमेजिनरी रूट्स। हां, दीस कंसेप्ट्स आर वैलिड ओनली इफ की ए बी सी शुड बी रियल नंबर्स नहीं होते, मतलब आयोटा जैसा कुछ होता है तो फिर कोई मेथड नहीं होता। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे x is equal to this formula, उसे रूट्स फाइंड करोगे और फिर कमेंट करोगे, ठीक है? तो ये सब हो गया था। फिर अच्छा, कई बार इस तरीके से भी एक्सप्रेशन होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल, तो इस केस में d इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ये बताया था ऑलरेडी कि d less than 0, roots आते हैं imaginary, and imaginary roots will be in pairs, conjugate pairs. Like if one root is 3 plus 4 iota, then other root will be 3 minus 4 iota. हाँ, और d है positive, then roots are real and distinct. A, B, C belongs to Q. Q4? Rational number, and d is a perfect square. Perfect square से क्या होता है? Square root के अंदर आता है perfect square, like root 25. तो ये है इरेशनल या फिर रेशनल? रेशनल। तो फिर आपको रूट्स रियल रेशनल मिलते हैं। और सपोज करो स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, लेट्स से रूट 20, तो दिस इज रेशनल और इरेशनल? इरेशनल। तो फिर रूट्स मिलते हैं इरेशनल। अगेन इरेशनल रूट्स भी पेयर्स में मिलते हैं, लेट्स से वन रूट है 2 प्लस रूट 5, देन अदर रूट विल बी 2 माइनस रूट 5, रूट 5। हां, और लेट्स से फर्स्ट रूट है रूट 7 प्लस 3, देन अदर रूट 3 माइनस रूट 7। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसे नहीं होता है। ये होगा एक्चुअल में माइनस रूट 7 प्लस 3, मतलब ये जो रूट वाले पोर्शन है ना, इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है? ऐसे ही इमेजिनरी रूट्स के अंदर सपोज करो वन रूट है आयोटा प्लस 2, देन अदर रूट विल बी आयोटा माइनस 2। दिस इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आयोटा पुट करोगे और रूट का स्पेशलिटी ये होता है कि रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आयोटा पुट करो और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है ऑप्शंस में अभी? जीरो। हाँ, मतलब जीरो के इक्वल आ गया तो करेक्ट है, आयोटा विल बी द रूट। जीरो नहीं आता तो फिर नॉट आ, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, दिस l minus m x square plus lx plus 1 is equal to 0 if one root is double of other, then determine maximum value of m where l belongs to r, real numbers, यानी any real number। तो ये क्वेश्चन पहले भी किया था हम लोगों ने, वहां पे हम लोग रिलेशन फाइंड करते थे। अभी रिलेशन जैसा कुछ नहीं है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, ठीक है? वन रूट इज डबल ऑफ अदर, लेट से वन रूट है अल्फा, देन सेकंड रूट बीटा, टू अल्फा। यूज करोगे समेशन, एक बार यूज करोगे प्रोडक्ट, और एलिमिनेट करोगे क्या अल्फा। हाँ, समेशन हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल बाय एल माइनस एल, माइनस बी बाय ए। हाँ, और प्रोडक्ट है 2 अल्फा इनटू अल्फा, यानी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट थोड़ा करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन वगैरह, और फिर ये आ जाता है दिस 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m इज इक्वल टू 0। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट l बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। हाँ, इसमें तुम बताओ l बिलोंग्स टू रियल नंबर का यूज कैसे करोगे? यहाँ d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Actually, this is quadratic equation in two variables, in L। अरे L की power 2 है ना?
हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एल में, और एल गिवन है क्या, रियल यानी नंबर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, डिस्टिंक्ट अरे रियल, रियल और रियल रूट्स मिलते हैं व्हेन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, आइदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इज इक्वल टू जीरो पर भी रियल, बट सेम हाँ, तो सेम ऐसा इस रूट क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या कि नहीं डिस्टिंक्ट ही होना चाहिए या सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ गिवन है क्या बोलो? नहीं हाँ, नो सर सो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जीरो ये सब ऑलरेडी नोट किया था हम लोगों ने। दिस इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल, आई रूट्स विल बी वैल्यूज ऑफ एल, और गिवन है एल बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रूट्स आर जीरो रियल, सो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो तो फिर करते हो आप इसका, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी है कितना, -9 हाँ स्क्वायर करोगे तो 81, ए सी ए है 2 एंड सी इज, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 81 माइनस फोर टू और 9 m ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको करोगे सिंपलीफाई, फाइनली आ जाता है इसमें m लेस देन और इक्वल टू, नाइन यानी m मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। बाय एट हाँ, तो यही क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, देन आंसर, वन तो 9/8 इज 1 point something, एम मैक्सिमम है 1 point something, तो मैक्सिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है। हाँ, टू पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आर। ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन बी इरेशनल, जस्ट वही ऑप्शन है रेशनल, और चलो एक काम करो और भी ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन सी इमेजिनरी, ऑप्शन डी कांट कमेंट। ये क्वेश्चन, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा एक बात ये बताओ, ए बी सी ऑलरेडी है रेशनल नंबर, तो डेफिनेटली ए प्लस सी माइनस बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स की रैशनल कैलकुलेशन से रेशनल आंसर ही आते हैं, रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनल, डेफिनेटली। रैशनल टू प्लस फाइव करने पे रूट टू बन जाता है क्या सडनली? नहीं हाँ नहीं बनता है, तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। नाउ रूट्स विल बी रेशनल इफ डी इज परफेक्ट। तो यार तुम लोग पढ़ के नहीं आते यार, गलत बात है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर रेशनल नंबर, देन रूट्स विल बी रैशनल रैशनल हाँ, तो इसका चेक करो आप डी, और कोइंसिडेंटली सपोज करो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, देन डेफिनेटली रूट्स विल बी ऑप्शन। रैशनल ए रैशनल हाँ, और डी सपोज करो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, देन ऑप्शन और ये इरेशनल। इरेशनल हाँ, और सपोज करो ऐसे कुछ हो गया, जैसे सपोज करो ये आ गया, डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर्स आर ऑलवेज, पॉजिटिव और आगे है नेगेटिव, यानी डी इज ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव देन ऑप्शन सी इमेजिनरी इमेजिनरी। हाँ, तो कुछ भी नहीं करना, इसका डी चेक करो और ट्राई करो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनता है या नहीं बनता है, करो सॉल्व।
डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर कॉमन, रिमेनिंग है सी स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए आपको, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो, ये कोई फॉर्म में आ रहा है क्या, किसी फॉर्म में आ रहा है क्या ये? ए प्लस बी। हाँ देखो यहाँ पे सी को सेपरेट करो और ये है सी प्लस ए माइनस बी एंड दिस इज सी माइनस माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस बी करेक्ट। हाँ तो दिस इज लाइक पी प्लस क्यू इनटू पी माइनस क्यू। हाँ यानी पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर एग्जैक्टली। और आगे है क्या? टू ए प्लस टू बी होल स्क्वायर इनटू फोर माइनस साइन है ना, माइनस साइन है। हाँ तो साइन चेंज कर दे यहीं पे। हाँ ये हो गया माइनस एंड दिस प्लस सी स्क्वायर दिस सी स्क्वायर दिस सी स्क्वायर कैंसल। अभी आ गया है d इज इक्वल टू फोर टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस नंबर इज परफेक्ट d इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? हाँ तो a माइनस बी डेफिनेटली परफेक्ट। हाँ सो ऑप्शन रेशनल a बिल्कुल ऐसे चेक कर लेते। ठीक है ए बी सी ऑलरेडी रेशनल नंबर थे, डी पर कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली बोलोगे कोइंसिडेंटली आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो डी परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि रूट्स अरेशनल रेशनल। और सपोज करो डी आ जाता है लाइक ऐसा कुछ फोर टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, तो फिर कमेंट करोगे क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। हाँ देन ऑप्शन सी नहीं हाँ बी बी। और सपोज करो ये आता कुछ ऐसे then option C। हाँ but अभी ये ऐसे वैसे नहीं आ रहा है, ये just ऐसे ही आ रहा है। ठीक है हाँ सर। तो ये है clearly perfect square यानी कि roots are rational done। हाँ सर। okay next question पे move करते हैं। next question है this x square plus ax plus 50 is equal to 0 having imaginary roots। इसका क्या मीनिंग है बताते हैं। जैसे देखो क्या होता है, सपोज करो कोई नंबर है लाइक दिस 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा ऑलरेडी बताया था इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो ये जो पार्ट है ना पार्ट विच इज विद आयोटा इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। हाँ एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट बट ये ओवरऑल है इमेजिनरी नंबर। ठीक है हाँ। जैसे 2 रेशनल रूट 3 इररेशनल। 2 प्लस रूट 3 को क्या बोलोगे रेशनल या इरेशनल? इरेशनल। हाँ तो ये है रियल पार्ट ये है इमेजिनरी पार्ट ओवरऑल ये इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ओके अब क्वेश्चन है दिस x स्क्वायर प्लस ax प्लस 50 इज इक्वल टू 0 having imaginary roots like p plus iota q ठीक है whose real and imaginary parts are integers। बड़ा ही क्लासिक और काफी इजी सा क्वेश्चन है ट्राई करना। ठीक है then find out all possible values of a ये क्वेश्चन। इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं तो डेफिनेटली डी शुड बी लेस देन जीरो। हाँ बट इसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी है कि रूट्स हैं पी प्लस आयोटा क्यू तो डेफिनेटली सेकंड रूट विल बी पी माइनस आयोटा। हाँ कंडीशन ये गिवन है कि पी एंड क्यू शुड बी हाँ हाँ बिल्कुल करो सर करो ट्राई देखते क्या करते हैं। यूज यही करना यार है ना समेशन ऑफ रूट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स यही यूज करना और साथ में डी लेस देन जीरो। हाँ करो सर बिल्कुल करो ट्राई।
स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ रूट्स माइनस ए टू पी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस ए. सेकेंड प्रोडक्ट ये बताया था कल, पी प्लस आयोटा क्यू, पी माइनस आयोटा क्यू, मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये 50. सी भाई है. ठीक है, इसके अलावा डी है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी ए स्क्वायर माइनस का फोर वन और फिफ्टी, यानी ए स्क्वायर माइनस माइनस 200 लेस देन, दिस शुड बी लेस देन जीरो, यानी ए स्क्वायर लेस देन 200. हाँ, अब पी और क्यू है बिलोंग्स टू पी और क्यू इंटीजर्स. ठीक है, अब एक काम करो, पी और क्यू है इंटीजर्स और ये है समेशन ऑफ इंटीजर्स का स्क्वायर और ये आना चाहिए इज इक्वल टू 50. इस तरह के कंडीशंस गिवन होते हैं ना कि ये इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या को प्राइम नंबर है, तो इनको नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस बोलते हैं. इसमें करना क्या होता है, वन इक्वेशन के अंदर मोर देन वन वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है और वेरिएबल है पी और क्यू. हाँ, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा मेथड ये है कि इंटीजर्स पुट करके देखो और उनका समेशन ऑफ स्क्वायर्स कितना आना चाहिए, 50. हाँ, लेट से पी पुट किया आपने प्लस माइनस वन, तो क्यू कितना हो गया, प्लस माइनस सेवन. ठीक है, पी प्लस माइनस टू पॉसिबल है क्या, नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्लस माइनस टू कर दो तो फोर क्यू स्क्वायर शुड बी 46, पॉसिबल है क्या, नहीं. तो प्लस माइनस वन के बाद में क्या आना चाहिए, प्लस माइनस थ्री आ सकता है क्या, नहीं. फोर दिस शुड बी 13, तो नहीं होता ना परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 1. बिल्कुल, इसमें कंडीशन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, देखते रहो कोई है ना. एक ये है 2p इज इक्वल टू माइनस है, यानी a इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, भाई फाइनली तो आपको वैल्यूज ऑफ a ही फाइंड करना है ना. हाँ. ठीक है, तो प्लस माइनस वन इसका डबल, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टेन, प्लस माइनस 14. हाँ, अभी इतना सफिशिएंट है या कुछ और भी करना चाहिए, देखो साथ में आपको ये भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 200. हाँ, तो 200 स्क्वायर कितना होता है, 4 लेस देन लेस देन 200. ओके, या फिर कुछ इशू है, ओके दिस ओके एंड दिस वन इज आल्सो ओके ओके. हां, सो फाइनली वैल्यूज ऑफ ए क्या आ गए, बोलो, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 14. हां, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था देन फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, इफ क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए देन आंसर 6 पॉसिबल, सॉरी 6 वैल्यूज है, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 1 4 ऐसा. क्लियर? हां सर. हां सर. ठीक है, तो बस जो कंडीशंस गिवन थे वो कंडीशंस अप्लाई करते 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 अपने आप से आंसर इस क्वेश्चन का आ गया. क्लियर? हां सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये देखो यार, थोड़े इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े लेंथी हैं, बट उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो करने पड़ेंगे हम लोग, है ना, कर लेते हैं. क्वेश्चन है ये, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ जा सकता है बट टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें. एन स्क्वायर माइनस 13 प्लस 44 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, वेयर एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फाइंड आउट all possible pairs m comma n. ये question, ये question इस तरीके से भी आ जाता है कि m comma या फिर
सर व्हाट इज एन, व्हाट इज स्मॉल एन? नहीं 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 कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या लगता है तुम्हें बताओ, सोचो फिर मैं तक आगे वाला लिख, चलो इसमें भी यहाँ पे वही लिखने वाला। अरे यार कैपिटल एन नेचुरल नंबर होता है, और क्या होता है कैपिटल एन नेचुरल, W फोर होल नंबर्स, I फोर इंटीजर, हाँ तो इसमें क्या है, I फोर इंटीजर्स, W फोर होल नंबर्स, N फोर नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ रहा है, फोर नेचुरल नंबर स्मॉल एन द एक्सप्रेशन एन स्क्वायर माइनस 13 एन प्लस 44 इज आ, क्या बोलोगे इज इक्वल टू एम स्क्वायर है तो इसको वर्डिंग्स में क्या लिखोगे, दिस एक्सप्रेशन शुड बी आर परफेक्ट स्क्वायर, हाँ वही परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, इसको ये क्वेश्चन जो है ये वर्डिंग्स में हो गया, स्टेटमेंट में हो गया, इसका नेक्स्ट लाइन यही बनेगा कि एन स्क्वायर माइनस 13 एन प्लस 44 है परफेक्ट स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी, क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, करो ट्राई, एन स्क्वायर माइनस 13 एन प्लस 44 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एंड एम, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, एग्जैक्टली। ये नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक से भी रिलेट हो जाएगा, कैसे होगा देख ही लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन है कि m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये वन इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, टू वेरिएबल्स, तो इसीलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा टफनेस तो नहीं बोलना चाहिए बट इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जितने वेरिएबल होता है ना उतनी इक्वेशंस ही होती है, टू वेरिएबल है तो टू इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशंस, यहाँ पे वन ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स टू है, सॉल्व करने के कुछ ही ऐसे एक दो ही मेथड ही होते हैं, इनके ज्यादा नहीं होते, या तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर फैक्टराइजेशन जैसा कुछ कर दो, ये थर्ड मेथड ही की वैल्यूज वगैरह पुट कर दो, ठीक है। तो करो ट्राई, देखते हैं क्या होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 44 इज इक्वल टू m स्क्वायर, m और n है नेचुरल नंबर, करो ट्राई। n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 44 इज इक्वल टू m स्क्वायर, क्या लगता है क्या कर सकते हैं सुमित, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो, ये आपको सिखाया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, यहां पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एन स्क्वायर है, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ एन का हाफ, हाफ यानी एन माइनस 13 अपॉन 2 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 169 अपॉन 4 प्लस 169 अपॉन 4, ये यूज हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, रिमेनिंग है माइनस 169 अपॉन 4, ये साइड में कैलकुलेट कर लो, 44 माइनस 169 अपॉन 4 एलसीएम, और ये हो गया 176 माइनस 169 यानी कि प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, 2 एलसीएम, और ये बन गया 2n माइनस 13 मल्टीप्लाई करो बाई 4 बोथ द साइड, तो ये बन गया 2n माइनस 13 होल स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 4n, हाँ नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो इज इक्वल टू में है 17,
4m square is perfect square of 2m. माइनस 2n माइनस 13 क्या करते हैं ना, अभी इसमें तो क्या है, खैर एडिशनल स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का हो गया, बाकी मोटिव ये रहता है कि आप एक्सप्रेशन को थोड़ा अपना दिमाग वगैरह लगा के समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू अ नंबर, और ये नंबर ट्राई करोगे दिस नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना होता है आपको, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू लेट से आ गया 7, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 7, क्या पॉसिबिलिटी 1 7 7 7 1 7 -7 -1 -1 -7 ट्राई करते हैं इसको प्राइम नंबर में लाने का, समझ रहे हो ना प्राइम नंबर का क्या बेनिफिट है, फैक्टर्स कम होते हैं, फैक्टर्स कम होते हैं, सपोज करो यहाँ पे बाय चांस आप 12 लेके आ जाते हो तो 3 4 के रिगार्डिंग 4 पेयर्स, 1 12 के रिगार्डिंग 4 पेयर्स और 2 6 के रिगार्डिंग भी 4 पेयर्स, और ये पहले 7 के केस में बन रहे थे 4 केसेस, अभी बनेंगे 4 4 4 यानी 12 12। हाँ तो ट्राई करते हैं प्राइम नंबर लाने का, ठीक है, ये है लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यानी 2m माइनस दिस माइनस साइन विल गेट चेंज इज इक्वल टू 17। m और n है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर, तो डेफिनेटली दिस पोर्शन इज आल्सो इंटीजर इंटू 2 कितना होता है, इंटीजर या नॉन इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर, 545 प्लस 739 माइनस 1041, इसको करने पर ऐसा कुछ आंसर आ सकता है क्या, समथिंग अपॉन समथिंग नहीं, फिर डेफिनेटली इंटीजर ही आ रहा होगा, तो इंटीजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंटीजर डेफिनेटली इंटीजर, तो ये है इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, बनाओगे यहाँ पे 4 केसेस, फर्स्ट केस हो गया ये कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 17 और दिस एक्सप्रेशन 1, फिर दिस 1 और दिस 17, फिर ये माइनस 7 दिस माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 और ये माइनस 17, हाँ इसको सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ m और n फाइंड करो, जैसे फर्स्ट केस ये हो गया 2m plus 2n minus 13 is equal to 17, 2m minus 2n plus 13 is equal to 1, हाँ ये है टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इजीली सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड केस का तो एटलीस्ट आंसर बताओ क्या आता है, m और n फाइंड करना है, ये मिस्टेक हो गया यार, ये 7/4 था यहाँ पे ना, ये 7 एक्चुअल में, ये जस्ट 7 ही है, 17 नहीं, तो ये बनेगा अभी 7 1 1 7 माइनस 7 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 7 7, तो ये एक्चुअल में है 7, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m इज इक्वल टू फर्स्ट केस में m इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वेशन को एड कर दो, 2n 2n कैंसिल, माइनस 13 प्लस 13 कैंसिल, 2m प्लस 2m 4m इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अदरवाइज दोनों इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हैं, पुट ही कर दो, ठीक है, m इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 4 प्लस 2m माइनस 13 इज इक्वल टू 0 7, 2n is equal to 16, 4 minus 13 यानी minus 9 right side गया तो plus 9, 2n is equal to 16, n is equal to 8, next case में ये है 1 and this 7. अगेन दोनों को ऐड करोगे, 2n कैंसिल, 13 कैंसिल, 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू
टू, ये पुट करो भी फर्स्ट इक्वेशन में, टू एन इज इक्वल टू, फोर माइनस थर्टीन यानी कि माइनस नाइन, राइट हैंड साइड गया तो प्लस नाइन, वन प्लस नाइन यानी कि टेन, टू एन इज इक्वल टू टेन, एन इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन है दिस माइनस सेवन और माइनस वन, अगेन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, टू एन टू एन कैंसिल, थर्टीन भी कैंसिल, फोर एम इज इक्वल टू माइनस एट, एम इज इक्वल टू माइनस माइनस टू, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था एम एंड एन शुड बी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बट सपोज करो क्वेश्चन में है एम और एन इंटीजर्स, तो फिर आप इसको चेक करोगे, क्लियर, ठीक है। लास्ट केस है माइनस वन माइनस सेवन, अगेन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो टू एन कैंसिल, थर्टीन कैंसिल, फोर एम इज इक्वल टू माइनस एट, एम इज इक्वल टू माइनस टू, ये पॉसिबल। तो फाइनली हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एम एंड एन, टू पेयर्स, फर्स्ट पेयर है टू कॉमा एट एंड सेकेंड पेयर इज टू कॉमा टू कॉमा फाइव, हाँ, यानी आप n इज इक्वल टू पुट करते हो कितना 5 या फिर 8, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, m स्क्वायर है ना राइट साइड में, हां यानी 2 स्क्वायर, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, n square plus n plus 41 is equal to m square, where m comma n belongs to integers. Find out m comma n. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा चेंज है, वहां पे 44 था और यहाँ पे है 41, करो ट्राई। How many pairs are possible of m comma n? ये क्वेश्चन है। n square plus n plus 41 is equal to m square. First step. Completing squares. N plus 1 by 2 whole square minus exactly coefficient of n है 1, तो उसका half करो 1 upon 2. Extra constant है 1 upon 4 और यहाँ पे minus 1 by minus 1 upon 4 side में देख लेते हैं 41 minus 1 upon 4 LCM 4 and numerator 163 upon 4 is equal to m square.
ठीक है, 2 LCM, 2 स्क्वायर इज 4, और ये बन गया 2n+1 होल स्क्वायर प्लस 163/4 इज इक्वल टू 0, नहीं n2। हाँ, अभी 4 मल्टीप्लाई बोथ द साइड, ये एक्सप्रेशन बन गया है 2n+1 होल स्क्वायर प्लस 163 इज इक्वल टू 4m² एंड 4m² इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2n होल स्क्वायर यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड। तो ये बन गया अभी 2m² - 2n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 163। दिस इज लाइक a² - b² a+b, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड 2m - 2n - 1 होल इक्वल टू 163। m और n है इंटीजर, दिस इंटीजर, दिस आल्सो इंटीजर, 163 को 2 इंटीजर्स में करोगे अभी ब्रेक, तो 163 को 2 इंटीजर्स में ब्रेक करना है हमें। तो देखो करो करके देखो, ट्राई करो, 163 2 इंटीजर ब्रेक होता है क्या? 2 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 4 5 6 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से डिविजिबल भी नहीं है, 8 9 10 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं सर, 11 से 12 13 से डिविजिबल है क्या? 13, ठीक है, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है ये, तो डेफिनेटली ये है प्राइम नंबर। ओके, सो फर्स्ट केस बन गया 163 एंड दिस 1, देन दिस 1, दिस 163, दिस माइनस दिस और माइनस 1, फिर ये माइनस 1 और ये माइनस 163। हाँ, ये 4 केसेस बन गए, इनको सॉल्व करो, वैल्यूज ऑफ m और n फाइंड करो सर। So 2m + 2n + 1 is equal to 163 and 2m - 2n - 1 is equal to 1. Both equations को add करते हैं तो 2n cancel, 1 cancel, 4m is equal to 160. 4. हाँ, m is equal to of 164 by 41. ठीक है, और फिर इस equation में से equation minus कर दो, 2m cancel, 2n + 2n यानी 4n, 1 + 1 यानी कि 2 is equal to 162. So 4n is equal to 160, n is equal to 40. फिर second case, ये 1, ये 163, both equations added, 2n cancel, 1 cancel, 4m is equal to 164, m is equal to again 41. हाँ, 41. अभी इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करते हैं, तो 2m कैंसिल, 2n + 2n यानी कि 4n, 1 + 1 यानी कि 2, 1 - 163 यानी -160 -162 हाँ, 4n इज इक्वल टू -160 4, n इज इक्वल टू माइनस 41। थर्ड केस है ये -3 और ये माइनस, ये माइनस से 1 1, अगेन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, 2n कैंसिल, 1 कैंसिल, 4m इज इक्वल टू -164, m इज इक्वल टू -41 माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, 2m कैंसिल, 4n + 2 इज इक्वल टू -162, 4n इज इक्वल टू -164, n इज इक्वल टू -41। हाँ, और लास्ट केस है दिस -1, दिस -160, 163।
हाँ दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, 2m कैंसिल, 2m प्लस 2m यानी कि 4m इज इक्वल टू माइनस 160। हाँ m इज इक्वल टू 41 माइनस 41 माइनस 41 वैल्यू ऑफ n फाइंड करो वो कितना आता है। तो m हो गया यहाँ पे माइनस 41 एंड एन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन 4n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कितना आएगा बोलो। ये प्लस 162 4n इज इक्वल टू प्लस 160 सो n इज इक्वल टू 160 बाय 4 हां 160 बाय 4 यानी 40 हां ओके सो फाइनली m एंड n हाउ मेनी पेयर्स फोर पेयर्स इफ क्वेश्चन इज m कॉमा n आर नेचुरल नंबर्स then how many pairs one pair. only one pair m is equal to 41 or n is equal to 40 40 clear yes sir okay easy question the lecture ke baad mein ek baar aap log apne aap se revise karna practice karna definitely confidence aa jayega ek ye question hai ye question homework mein hai question hai this find out all possible values of p ये है page number 32 पे so that the equation px square plus p minus 3x plus 3x plus p minus 3 is equal to 0 having integral roots integral यानी integer यानी इस equation के roots होने चाहिए क्या integers हाँ लाइक रूट्स है अल्फा एंड बीटा देन अल्फा एंड बीटा शुड बी इंटीजर्स एक बार यूज करोगे समेशन एक बार यूज करोगे प्रोडक्ट एलिमिनेट करोगे अल्फा और बीटा को रिलेशन मिलेगा आपको पी में फिर पी की वैल्यू हाय क्लियर हाँ सर ओके तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट क्लियर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं स्टार्ट बहुत इजी सा पॉइंट है मुबारक सर ने ऑलरेडी कवर किया है एक बार फिर से इसको देख लेते हैं पॉइंट है दिस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हाँ एक चीज ध्यान रखना इक्वेशंस के ग्राफ नहीं बनते हैं है ना जैसे काफी लोगों को ये डाउट होता है कि इसका ग्राफ बना दो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा इक्वेशन इक्वेशन के ग्राफ नहीं होते हैं इक्वेशन के रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के रूट है x is equal to 1 and x is equal to 2 so roots are values of variable which satisfies the given equation हाँ तो ये इक्वेशन है इक्वेशन के ग्राफ नहीं होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन या एक्सप्रेशन के ग्राफ होते हैं जैसे सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है ये बना सकते हो आप जैसे हम लोग 10th में करते थे x की वैल्यूज पुट करोगे अकॉर्डिंगली y की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यूज आते हैं और फिर ऐसे मार्क कर देते हैं यही करते हैं ना हाँ सर स्ट्रेट लाइन है तो स्केल से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं ठीक है ओके अब ये मेथड तो खैर हम लोग नहीं करने वाले कि बहुत सारे वैल्यूज रखोगे और फिर अकॉर्डिंगली y आएगा उसको ज्वाइन करोगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सिंपल होता है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशियंट है टू पॉइंट्स तो टू पॉइंट्स में कहाँ हो जाता है बाकी एक दो पॉइंट ऊपर वगैरह आते हैं तो उनको ऐसे रफ करके वापस हम लोग इसी पे ज्वाइन करते हैं ठीक है ओके तो सभी करते हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेसिक मेथड तो ये है कि ग्राफ पेपर लो और इस पे x के वैल्यूज पुट करो अकॉर्डिंगली y फाइंड करो ज्वाइन कर दो जैसे x इज इक्वल टू जीरो जीरो स्क्वायर जीरो वन स्क्वायर वन माइनस वन स्क्वायर इज ऑल्सो positive 1 2 square 4 minus 2 square is also 4 फिर आप करोगे इनको join और इसका shape आता है like this clear हाँ sir एक चीज़ ध्यान रखना y is equal to ax square plus bx plus c ये जो graph आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या parabola का basic identification ये है कि one variable having power one and other variable having power two
तो ये पैराबोला बनते हैं, ये एक्चुअली बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि इंक्लाइंड पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला चैप्टर में, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ऑलमोस्ट 3 मंथ चलता है वो, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, इलिप्टिकल, सौर प्लेनेट, ठीक है, और हाइपरबोला। ओके, जैसे इस तरीके से कुछ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वाई, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे वाई की पावर कितनी है वन और वन एक्स की पावर स्क्वायर टू, हाँ मतलब स्क्वायर 2 की बात है। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगेन आइडेंटिफिकेशन, वन वेरिएबल का पावर होना चाहिए वन, और अदर वेरिएबल का कितना पावर होना चाहिए टू, टू। तो ये पैराबोलिक कर्व बनते हैं, जैसे यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई का मैक्सिमम पावर कितना है, अच्छा मैक्सिमम पावर देखो यार, है ना, वाई का मैक्सिमम पावर कितना है वन, टू और एक्स का वन मैक्सिमम पावर है कितना टू टू, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। लेट से क्वेश्चन होता है दिस, वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई इज इक्वल टू 5 एक्स, एक्स टू द पावर मैक्सिमम, वन वन वाई टू द पावर मैक्सिमम टू, टू तो दिस इक्वेशन इज ऑफ। पैराबोला हाँ, ये तो हो गया बेसिक मेथड, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू फाइंड की, पॉइंट लोकेट किए, ज्वाइन कर दिया। तो ये तो अभी हम लोग नहीं करने वाले, इतना सब थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो इन ग्राफ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब ये कंक्लूजन कैसे आ रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब स्ट्रेट लाइन से भी सिंपल ग्राफ होते हैं इसके। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी फर्स्ट आप चेक करोगे वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, जीरो तो हो नहीं सकता, समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक में जीरो नहीं होता। नहीं होता तो भाई 3 टाइप के नंबर ही हुए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जीरो। जीरो तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, तो आइदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ग्राफ ओपनिंग, हाँ, एंड इफ ए नेगेटिव देन ग्राफ ओपनिंग, डाउन हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये सबसे सिंपल वाले पैराबोला होते हैं, आइदर दीज विल बी ओपनिंग अपवर्ड और दीज विल बी ओपनिंग, डाउनवर्ड ऐसे ही, ऐसे ठुमके वगैरह नहीं लगाते, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमते लोग, है ना, ऐसे वैसे नहीं घूमते लोग, ठीक है, डिस्को नहीं चलता है, बहुत ही सिंपल सीधे साधे होते हैं, आइदर ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग, थोड़ा भी डाउनवर्ड इंक्लाइंड नहीं होता, थोड़ा भी इंक्लाइंड नहीं होता। ये सब एक चैप्टर आता है पैराबोला, वहां पे फिर हम लोग ये सब बनाते हैं, ठीक है। ये सर 30 डिग्री से इंक्लाइंड कब होगा, 40 डिग्री से इंक्लाइंड कब होगा, 90 डिग्री से इंक्लाइंड कब होगा, ये सारी चीजें, तो वहां पे इक्वेशंस थोड़े और टफ हो जाते हैं। बाकी ये तो सबसे सिंपल पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द सिंपलेस्ट पैराबोला, ठीक है। हाँ सर तो ए हाँ सर पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, इसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन है, जैसे सपोज करो वाई इज इक्वल टू 2x² - 3x+7, ठीक है, आप एक काम करो इसमें एक्स इज इक्वल, अच्छा एक पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तो पता ही है ना सभी लोगों को, नेगेटिव ए एक्स पॉजिटिव दिस एक्स, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड दिस वाई नेगेटिव नेगेटिव, एक सेकंड, x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी कहाँ आएगा इसमें, पोजीशन हुआ राइट साइड ए, एक सेकंड एक सेकंड, ए बी या सी या डी, प्लस ए और हाँ x सी इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी बोला था मैंने ना, तो ए पर अच्छा आएगा, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बी y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, सी y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, डी ठीक है। अब एक काम करो इसमें x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट करो, तो आप x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट करते हो, तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है, इसका मीनिंग ये है कि किसी के पास में है 1 करोड़ रुपीज और किसी के पास में है 1 करोड़ का स्क्वायर रुपीज, तो क्या ये बहुत ही 10-20 रुपीज का डिफरेंस है, नहीं हाँ ये ऐसे भी नहीं बोल सकते डबल हो गया ना, क्योंकि डबल नहीं है ये, तो 1 करोड़ टाइम्स ही हो गया ना, हाँ तो क्या बोल सकते हैं, ये है ए, ये है बी,
मतलब ए इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू बी. हाँ समझ रहे हो ना. हाँ सर. कंक्लूजन ये होता है कि x is equal to infinity और minus infinity पे maximum power dominate करती है. maximum power जितना बड़ा power होगा ना उतनी ज़्यादा value increase होगी. समझ रहे हो. हाँ सर. x is equal to infinity पर output. अच्छा सुनो, x होता है input and y output. हाँ input होते हैं ऐसे horizontally और output होते हैं vertically. ठीक है. हाँ तो x is equal to infinity पे कितना output आ रहा है. x is equal to infinity put करो इसमें तो ये सब तो negligible हो गया. हाँ. infinity square infinite into two और in, हाँ और ज़्यादा. हाँ मतलब infinite यानी x is equal to infinity पर y भी कितना आ रहा है. infinite. ये point इधर कहीं पे आएगा. समझ रहे हो. हाँ ठीक है. x is equal to minus infinity put करो. माइनस इनफिनिटी स्क्वायर इज आल्सो प्लस इनफिनिटी. प्लस इनफिनिटी नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव इनटू टू यानी कि प्लस इनफिनिटी. समझ रहे हो ना. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी पर भी आउटपुट कितना आ रहा है. हाँ प्लस इनफिनिटी. हाँ यानी आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ग्राफ में इंक्लूड करने हैं. ठीक है. तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ग्राफ वहीं पे कहीं पे इन्फिनिटी पे स्टार्ट हुआ होगा और इन्फिनिटी पे ही एंड हो गया. ऐसे होता है क्या. हाँ इसका मीनिंग ये है कि ग्राफ वो इधर से कहीं से स्टार्ट होगा और फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा. और इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड. ऐसा थोड़ी होता है. मतलब इसने गेम की तरह थोड़ी होता है कि ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ यहाँ पे ऐसे एंड होकर के ऊपर से आ गया. ऐसे होता है. ठीक है. ऐसे नहीं होता है. समझ गए. अब क्या होता है जैसे y equal to suppose करो ये होता minus 2x square plus 3x minus 7. अब इसमें आप x is equal to plus infinity put करो infinity square. plus infinity. But आगे है negative. तो output क्या हो गया. negative. यानी x is equal to infinity पर output है negative. minus infinity. यानी dislocation. समझ गए. और ऐसे यहाँ पे भी डिसलोकेशन. यानी ये ग्राफ ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये ग्राफ फाइनली ऐसे जा. अंडरस्टूड. यस सर. को हम लोग बोल देते हैं ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स. हाँ बाकी यार इसका प्रूफ वगैरह ऐसे कहीं नहीं पूछते आपसे कि ये क्यों ऊपर जाता है, क्यों ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्यों ओपनिंग अपवर्ड है. आप केवल इतना माइंड में रखो कि इफ ए पॉजिटिव ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, इफ ए नेगेटिव ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड. ठीक है. ओके नेक्स्ट पॉइंट समझ लेंगे. तो ये हो गया ओपनिंग अपवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग डाउनवर्ड. ठीक है. इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट समझ लेंगे. देखो क्या होता है जैसे सपोज करो ग्राफ है लाइक दिस. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मिनिमम आउटपुट कितना दिख रहा है. मिनिमम आउटपुट का मतलब मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट -4. हाँ इस ग्राफ में मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट है -4 और मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ये इनफिनिटी. इनफिनिटी यानी ये जो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होता है ना इनमें मिनिमम वैल्यू डिफाइन होता है ग्राफ का. समझ गए. हाँ सर. ठीक है. मिनिमम वैल्यू डिफाइन. मिनिमम वैल्यू मतलब आउटपुट. मिनिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड. और यहां पे जैसे इस तरीके से ग्राफ है तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन. तो क्या लगता है वाई कोऑर्डिनेट -4 इस ग्राफ में मैक्सिमम है या मिनिमम है. मैक्सिमम है. नीचे माइनस मिनिमम वाई को. हाँ नीचे आ रहा है ना इसलिए. मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा. मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनफिनिटी. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड. डन. तो ग्राफ में ए पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू डिफाइंड, ए नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड. ओके नेक्स्ट पॉइंट.
देखो ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू ये मिलता है आपको एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये आपको ऑब्टेन होता है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन टू, ये आपको लर्न करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन टू। इसका रीजन क्या है ना, देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, फिजिक्स में तुम लोगों ने स्लोप वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ये स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। दिस स्लोप पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड दिस स्लोप जीरो। सो दिस पॉइंट इज द ओनली पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो। हाँ ऐसे ही इस ग्राफ के अंदर दिस स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव this slope negative and this slope zero slope find करने के लिए आप करते हो क्या? ये differentiation। हाँ यानी इसको differentiate, बिल्कुल इसको differentiate कर दो। a x square का differentiation 2x, x का differentiation plus b और c का differentiation zero at this point slope is zero यानी ये value zero। So 2ax plus b is equal to 0, 2ax is equal to minus ka b, x is equal to minus ka b upon 2a. b upon 2a. हाँ, तो यहाँ पर एक सेकेंड, a पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू ऑप्टेन होता है एट x is equal to minus ka b upon 2a. If a negative graph opening downward और इस केस में है मैक्सिमम, एक सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन और ये मैक्सिमम वैल्यू मिलता है आपको अगेन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन टू ए। टू ए ये इनपुट है, समझ रहे हो ना, ये वैल्यू ऑफ एक्स है यानी ये इनपुट है। हाँ। तो हम लोग बोलते हैं क्या मिनिमा, क्या बोलते हैं मिनिमा, तो फिर इसको क्या बोलोगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम ठीक है। और इस पे आउटपुट, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, क्या बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमा यानी इनपुट, मिनिमम वैल्यू यानी आउटपुट, मैक्सिमा इनपुट और मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट, आउटपुट। तो इनपुट पता चल गया x is equal to minus का b upon 2a, तो x is equal to minus का b upon 2a क्या है, इस कर्व के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनली वाई निकल के आता है माइनस का डी अपॉन फोर है। ये प्रूफ कर लेंगे बाद में, बाकी ये निकल के आता है वाई इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन फोर है, सेम टू सेम यहाँ पे निकल के आता है वाई इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन फोर है। ये टू वैल्यूज आपको माइंड में लर्न करते हैं बस, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन टू ए और वाई इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन फोर है, फोर है ठीक है। बस इतना ही होता है ग्राफ बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, बाकी ग्राफ बनाने में मैक्सिमम 10 सेकंड्स लगते हैं। जैसे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल पिक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट्स से कुछ भी रख दो, ये रख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ठीक है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एक तो बेसिक मेथड ये होगा कि वैल्यूज ऑफ x रखते जाओ अकॉर्डिंगली, y फाइंड करो, पॉइंट्स को लोकेट करो, ज्वाइन करो ठीक है। बाकी डायरेक्ट मेथड ये है, फर्स्ट तो ये चेक करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव यानी अपवर्ड्स, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू है। ये बोलने का बार बार बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि एवरी वैल्यू शुड बी विद प्रॉपर साइन, बिल्कुल। सो माइनस का बी भी कितना है यहाँ पे फोर, टू ए तो कितना आ गया है टू, यानी ये जो वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑब्टेन होगा एट एक्स इज इक्वल टू टू पर वाई कोऑर्डिनेट माइनस का डी अपॉन फोर ए। अलग से कैलकुलेट कर लो, बी इज बी स्क्वायर माइनस का फोर ए और सी कितना आ गया है 16 माइनस 28 यानी माइनस माइनस 12, माइनस 12 12 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 4a यानी कि 4 यानी कितना 3 3 ये भी कर सकते हो x is equal to 2 यहां पे पुट कर दो 3 प्लस होता है 3 यानी x is equal to 2 पर आउटपुट कितना आ रहा है 3
at x is equal to 2, output is 3, यानी this point, ये vertex है, समझ गए? हाँ सर. ग्राफ में देखो एक चीज और होती है कि ग्राफ को y एक्सिस पे आप एग्जैक्ट लोकेट करते हो हमेशा. y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो, देन y इज इक्वल टू 7, यानी 0 कॉमा यहां पे, समझ गए? हां सर. बस ग्राफ कंप्लीट, ये शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दो. तो एक तो ये शेप ऐसे बना दो और एक थोड़ा सा रफली फ्री हैंड से ऐसे बना, समझ गए? हाँ सर. तो ये हो गया इसका फाइनल ग्राफ. क्लियर? हाँ सर. इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेंज, इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेंज, तो रेंज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, मिनिमम आउटपुट. आउटपुट ऐसे y एक्सिस के हम देखते हैं, यानी वर्टिकल देखते हैं ना, तो मिनिमम आउटपुट कितना इस ग्राफ में? 3. मैक्सिमम आउटपुट? इनफाइनाइट. 0 पर आउटपुट 7. हाँ, मिनिमम आउटपुट है 3 एंड मिनिमम आउटपुट इज ऑब्टेंड एट x इज इक्वल टू 2. बिल्कुल करेक्ट है. एक एग्जांपल होता है, जैसे y is equal to 2x square minus 9x plus 1, d positive है, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करोगे कोफिशिएंट ऑफ a, x square पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड like this, opening upward है, minimum value will be defined and minimum value will be obtained at x is equal to minus b by a, minus b by 2s, minus का b upon 2a, correct? हाँ sir. यानि minus 9 upon 4. Okay. और minimum value कितना आने वाला है? Y is equal to D by minus G. Minus D by 4A. Minus का D upon 4A. D check करो, D कितना आता है? B square minus 4AC. B square यानी कि 9 square. यानी कितना? 81 minus 4. Minus का 4AC. 4, 2, 1. कितना बोलो? 8. हाँ. 81 minus 8. 73. Minus 73 upon 8. Almost कितना है ये? Minus 8 point something या 9 point something? 9 point something. Minus 73 upon इसको थोड़ा सा side. यानी minus 9 upon 4 पर output आ रहा है minus का 73 upon 8. हाँ. ओके, एक मिनट, आपको बोला था कि y एक्सिस पे लोकेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं. y एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू 0, 0 एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. हाँ, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं. ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट. x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है. तो अभी तो x is equal to 0 पे आ रहा है, आउटपुट कितना? 1. यानी यहाँ पे, समझ गए? अब आपको ये शेप बनानी है, ये शेप, ये शेप, ये शेप यहाँ पे बना दो, करो सॉल्व, कर लो एक बार, अपने आप से एक बार ड्रॉ करना सीख लो अपनी नोटबुक में, इसको शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लो. किसी को डाउट है इसमें बताओ, कोई डाउट है तो करते हैं डिस्कस. नहीं. बाकी इससे बेटर एक्सप्लेनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना. हाँ.
तो ये शेप बनाना है आपको यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना होता है, बस हाँ ऐसे मत बनाना, ये ऐसे वैसे मत बना देना, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे ले जा करके, और अब ऐसे नहीं कि इधर से पास करोगे, समझ रहे हो ना, यहाँ से पास करना है आपको जगह से। हाँ ठीक है, और सेम ऐसे इधर बनाओ, क्लियर। हाँ, तो ये हो गया इसका ग्राफ। एक दो क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कर लो आप लोग। क्वेश्चन है y equal to x square minus x plus 2, करो ट्राई। तो बन गया होगा मुझे लगता है ना, है नहीं इसमें यार। सो फाइनली ये है लाइक दिस, क्लियर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो। ये बनाओ एक मेथड ये भी होता है कि रूट्स फाइंड करके ग्राफ बना लेते हैं, बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि रूट्स हमेशा ऐसे अच्छे रूट्स नहीं आते ना, 1-2 रूट्स ही थोड़ी आते हैं हमेशा, कई बार रूट 17 प्लस 5 अपॉन 4 ऐसे भी रूट आ जाते हैं, तो फिर वही है कि उसको ढूंढते रहो कहां पर है, कोई मतलब नहीं है उससे। सो y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव, ग्राफ ऑफ नहीं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड केस में होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन and maximum value obtained at x is equal to, same ही है, minus का b upon 2a, everything should be with the sign, okay, minus minus cancel, 6 upon 4 यानी 3 upon 2, maximum value होगा y is equal to minus का d upon 4a और d यानी b square minus 4ac, 36 माइनस का 4a और c, क्लियर। हाँ सर। ओके 3 नेगेटिव है, सो नेगेटिव 4 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 40, यानी कि माइनस का 4 माइनस 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 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2,
माइनस ये हो गया डी अपॉन फोर ए, तो थ्री अपॉन टू पर आउटपुट कितना आ रहा है बोलो, माइनस वन अपॉन टू, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कितना आउटपुट है, माइनस फाइव। बिल्कुल, तो वाई माइनस फाइव इधर होना चाहिए, ठीक है, इधर कहीं पे आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। बस क्वेश्चन डन कंप्लीट, ये शेप यहाँ पे ऐसे फॉर्म करना है आपको, जस्ट ड्रॉ करना है, तो ये हो गया ऐसे, और सेम टू सेम मिरर इमेज टाइप या बिल्कुल सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, लाइक दिस। क्लियर? हाँ सर। तो ये है इसका फाइनल ग्राफ। क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफ फॉर्मेशन के लिए तो देखो कमी आता है, बट ग्राफ पे बेस्ड काफी सारी चीजें होती हैं, रेंज फाइंड करना और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आएंगी चैप्टर में, है ना। अभी तो 36 पेज पे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 120 पेजेस तक जाता है, ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 4x, ये ड्रॉ करो। टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स, अगेन ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू आउटपुट कितना आ रहा है, माइनस का डी अपॉन फोर ए, अदरवाइज एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, ठीक है, तो माइनस का डी अपॉन फोर ए, एवरीथिंग शुड बी विद साइन, तो माइनस का फोर ए और डी, डी है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, सी जीरो है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 16, करेक्ट है, 16, हाँ, 16, माइनस की वैल्यू आ गया है माइनस 16 अपॉन 8, यानी माइनस, हाँ ठीक है, यानी यहाँ पे ओके। एक पॉइंट और, y एक्सिस पे नीट एंड क्लीन ग्राफ रखते हैं कि वो पॉजिटिव x से पास हो रहा है, नेगेटिव x से पास हो रहा है, या फिर ओरिजिन से पास हो रहा है। एट x इज इक्वल टू 0 कितना आउटपुट है, y 0, हां यानी कि दिस पॉइंट, बस ये शेप यहां पे ड्रॉ कर, सो फाइनल ग्राफ है लाइक दिस। क्लियर? हां सर। ओके, इट्स द लास्ट क्वेश्चन, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। y is equal to minus का 3x square plus 6x, graph opening downwards, maximum value define या minimum value define, ये maximum value define, और ये obtain होता है at x is equal to minus b by 2, minus b upon 2a, यानी कितना आ रहा है, plus 1, और output है y is equal to minus का d upon 4a माइनस का और डी, डी इज बी स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4a, सी जीरो, जस्ट कितना आ रहा है बोलो, 36 अपॉन 12 कितना, 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 36 अपॉन 12 है 3, यानी x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट है कितना, 3, और एक आप चेक करते हो y एक्सिस के ऊपर, at x is equal to 0, y is equal to 0, this point graph done, ye shape yahan pe draw kar do like this, clear? Yes. So easy hota hai, bahut easy hota hai, straight line jitna easy hota hai ye, theek hai, aur main cheeze batane wala hu to fir kafi easy hi lagna chahiye, okay, chalo fir aaj itna hi karte hain, baki sheet mein koi doubt aapka pending hai to wo aap discuss kar lo।
शीट वन कंप्लीट करने को बोला था, शीट टू कंप्लीट करने को बोला था, शीट थ्री के अंदर एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू सेक्शन ए एंड सेक्शन सी। सर मैंने आपको डाउट्स का फोटो भेजा था। तुमने डाउट्स का कब सेंड किया? अभी बता दो कार्तिक, ये तो मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे था डाउट, बताओ एक्सरसाइज बोलो। सर एक्सरसाइज वन सेक्शन सी क्वेश्चन टू एंड थ्री। एक्सरसाइज वन सेक्शन सी, एक सेकेंड शीट है ये, एक्सरसाइज वन सेक्शन पार्ट वन। हाँ पार्ट वन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री, सी टू एंड सी थ्री। हाँ सी टू एंड सी थ्री अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस हैविंग इक्वल रूट्स, ये क्लास में किया था हम लोगों ने, बताया था आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p ऐसा दिखता है तो आपको x इज इक्वल टू वन डालना है, तो वो किया x इज इक्वल टू वन पुट करके चेक करना चाहिए, ये बताया था ना। ये रहा देखो पेज नंबर, ये होगा कहां पे है, देन ए बी सी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ये कैसे पॉसिबल है यार, एक क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। चलो कोई नहीं, फिर से डिस्कस करते हैं। ओके सी टू, इफ पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हैविंग इक्विवेलेंस, कभी भी क्वेश्चन के अंदर पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी ऐसा दिखता है ना, तो आप एक्स इज इक्वल टू वन पुट करके चेक करते हो। आप इसमें पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू वन, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में गिवन है बोथ रूट्स आर। सेम यानी बोथ रूट्स आर वन एंड वन, फिर चेक करो मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू वन इज इक्वल टू सी बाई ए, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो क्यू इज इक्वल टू आ जाता है टू पी आर अपॉन पी प्लस आर। इफ पी क्यू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, और ए बी सी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, then b is equal to 2ac upon a plus c, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है this if x square plus bx plus 10 is equal to 0 does not having real end, distinct roots, तो does not having real and distinct roots मतलब उसके real और distinct root नहीं है, यानी d देखो real और distinct root आते हैं d positive पे, तो वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब d less than or equal to जीरो। सो ग्राफ ओपनिंग, अच्छा एक पॉइंट और, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टेन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ग्राफ इस तरीके से ही बन रहा होगा क्योंकि डी नेगेटिव में ये आएगा कंसेप्ट। डी नेगेटिव में क्या होता है, ए और सी के साइन सेम ही होता है, सी है टेन तो ए भी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव यानी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड। हाँ अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइव ए माइनस b, तो ये सोचना पड़ेगा कि 5a माइनस बी ये एक्सप्रेशन कब ऑप्टेन होने वाला है, तो आप इसमें पुट करो x is equal to 5, sorry, x is equal to minus का 5, ठीक है, तो माइनस फाइव पे ये आ गया 25a माइनस का 5b प्लस 10, डेफिनेटली ग्राफ का आउटपुट मिनिमम कितना पॉसिबल है, जीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो, यानी दिस ग्राफ डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो।
25a माइनस का 5b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 10, यानी 5a माइनस b ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस 2. तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है 5a माइनस b का माइनस 2. सो इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस 2. ओके, आप लोग एक काम करो, जितना होमवर्क आपको दिया था वो अच्छे से कंप्लीट कर लो, साथ में शिंगेज के सॉल्व एग्जांपल भी कंप्लीट करते रहो और फिर एक साथ डिस्कस करते हैं. जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो मेरे को बता देना, डिस्कस हम लोग कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पे प्रॉपर एक सेशन लेके डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, टाइम काफी मिलने वाला है तो थोड़ा सा एंजॉय तो डेफिनेटली करना था, बट थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करके जो होमवर्क है उतना कंप्लीट कर लेना. ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ओके बेटे, बाय सर. थैंक यू. थैंक यू सर. बाय सर.